हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हेमा और आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप जो मैंने किया था 30 मई को। और 30 मई को था वल सावित्री की व्रत, अगर आप सभी को पता होगा तो, अगर नहीं है तो आपको पता चल ही गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मैंने सबसे पहले टोनर यूज़ किया अपने फेस पर और टोनर को बिल्कुल भी सूखने नहीं दिया है। उससे पहले मैंने यूज़ कर लिया है लॉरियल का ये हाइलोरॉनिक सीरम। कहते हैं कि जब भी आप हाइलोरॉनिक सीरम यूज़ करें तो उससे पहले आपका फेस थोड़ा सा वेट होना चाहिए, तो हाइलोरॉनिक सीरम बहुत अच्छे से काम करता है आपके फेस पर। और जब भी आप हाइलोरॉनिक सीरम लगाएं तो आपकी जो आँख की एरिया है उसको अवॉइड करते हुए पूरे फेस पर आप लगा सकते हैं हाइलोरॉनिक सीरम। सो नेक्स्ट मैं ये यूज़ कर रही हूँ ये सिटाफिल का लोशन। वैसे तो लोशन ऑल ओवर द बॉडी लगा सकते हैं, तो बॉडी में ही फेस आता है। सो आई होप आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इट वर्क्स ग्रेट ऑन माई फेस, दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग दिस लोशन ऑन माई फेस। सो या गाइस, नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस सनस्क्रीन दैट इज अगेन फ्रॉम सिटाफिल। तो सनस्क्रीन लगाने में और मॉइस्चराइजर लगाने में आपको आधे घंटे का गैप देना चाहिए, अगर आपके पास टाइम है तो ये गैप मेंटेन करके रखें आप। तो या गाइस, नेक्स्ट मैं ये स्ट्रोब क्रीम यूज़ कर रही हूँ जो कि NY बे की है। कहते हैं बहुत सारे ब्यूटी ब्लॉगर्स की ये NY बे की स्ट्रोब क्रीम और मैक की स्ट्रोब क्रीम काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, और मैं भी एक हद तक इस चीज़ को मानती हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है NY बे में जो पिंक टिंट जो है बहुत ज़्यादा है मैक के स्ट्रोब क्रीम के कंपैरिजन में। आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ग्रूम करने वाली हूँ अपने आईब्रोज़ को, और आईब्रोज़ मेरे बने हुए नहीं है इसीलिए मुझे उसे अच्छे से शेप देना पड़ा, और उसके बाद जो है प्रोडक्ट मैंने इसमें फिल किया हुआ है, और अच्छे से जो है स्पूली की मदद से मैंने सारे प्रोडक्ट को ब्लेंड कर लिया है और यहाँ पर मेरे आईब्रोज़ हो गए हैं ग्रूम। तो इसके बाद जो है मैं अपने डार्क सर्कल्स और जो पिगमेंटेशन है मुझे ऑल ओवर द फेस जहाँ जहाँ पर है, नॉट ऑल ओवर द फेस, वो मैं कवर करने वाली हूँ ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स के पैलेट से, जो कि बहुत ही बेहतरीन पैलेट है। अगर आप बिगनर हैं तो आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कंसीलर का शेड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी इस पैलेट से, तो यू कैन इन्वेस्ट इन दिस पैलेट। सो यहाँ पर जो है मैं कंसीलर ब्रश यूज़ कर रही हूँ और कंसीलर ब्रश की मदद से अपने जो डार्क सर्कल्स से हाइड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने एक कलर डार्कर यूज़ किया है एक्चुअली अपने फेस पर कंसीलर, और ऑलरेडी काफ़ी हद तक जो है पिगमेंटेशंस मेरे हाइड हो चुके हैं। और ये जो मेकअप है मैंने पूरी तरीके से जो है नेचुरल लाइट में किया हुआ है, कोई भी लाइटिंग उसके अलावा नहीं है। नेचुरल लाइट मतलब सुबह के 8-9 बजे जो धूप आती है उसके सामने किया हुआ है, और कोई भी एडिटिंग नहीं की है मैंने। जब मैं एडिट कर रही थी इस वीडियो को, आप देख सकते हैं कितना प्यारा मेकअप हुआ था। तो या गाइस, मैं नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ ये फाउंडेशन जो कि कलर बार से हैं, और ये फाउंडेशन एकदम परफेक्ट मैच है मेरे फेस के शेड्स हैं, क्योंकि आप आगे देखेंगे जब मैं इसे अप्लाई करूँगी ऑन माई फेस आपको समझ में आएगा कि मेरा जो नेक का कलर है और फेस का कलर है एकदम सेम टू सेम लग रहा है, क्योंकि ये जो कलर है फाउंडेशन का वो एग्जैक्ट मैच है मेरे फेस के शेड से। सो या गाइज, मैं यहाँ पर जो है फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि एकदम मेरी स्किन लगे। वैसे तो मेकअप लगता है ही है, ऐसा कभी नहीं लगेगा कि वो आपकी स्किन है, बट एक चीज़ कहते हैं ना कि बहुत फ्लॉलेस मेकअप हुआ है, तो वो चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि आप अगर ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करते हैं तो आपका मेकअप बहुत फ्लॉलेस लग सकता है। सो ब्लेंडिंग इज़ द की। सो या गाइस, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, और मैं यूज़ कर रही हूँ ये काबुकी ब्रश जो कि जोविता एक्स पैक का जो कोलैबोरेशन हुआ था वो वाले ब्रश सेट में का ये काबुकी ब्रश है। इट वर्क्स ग्रेट ऑन माय स्किन। एंड नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस कॉम्पैक्ट पाउडर दैट इज़ फ्रॉम कलर बार। अगेन थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेकर जो है मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ, और जहाँ पर मुझे पसीना आता है और जहाँ पर मैंने कंसीलर लगाया हुआ है मेनली मैं वहाँ पर फोकस करूँगी, क्योंकि ड्राई स्किन पे आप ज़्यादा कॉम्पैक्ट या पाउडर नहीं लगाते हैं, क्योंकि आपकी स्किन फिर कुछ देर बाद पैचेस ही लगने लगती हैं, या फिर कहीं कहीं ऐसे अलग अलग पैचेस पड़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पर आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, यू कैन बी करके एक कंपनी है, वहाँ से मैंने मंगाई थी एक्चुअली। ये इंस्टाग्राम पर एक गोला मार्केट करके एक इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ से मैंने मंगाया था। बहुत ही अच्छा पैलेट है, बहुत सारे कलर्स हैं इसमें। तो सबसे पहले ये कलर पिक किया है मैंने, और अपने पूरे आईलिड्स पर मैं लगाऊंगी, और इसके बाद जो है एक डार्कर कलर लूंगी जो कि थोड़ा सा बरगंडी टाइप में है या पर्पल डार्क पर्पल कलर में है, डार्क पिंक कलर में है, और उसको जो है अपनी क्रीज में सेट करूंगी। आई मीन टू उसे क्रीज बनाने की कोशिश करूंगी, और आउटर वी पे इसे लगाऊंगी, और बहुत ज़्यादा
भड़कीला कलर, मतलब बहुत ज़्यादा कलर हम डिपॉजिट नहीं करें, बहुत हल्के हल्के कलर से हम काम कर रहे हैं। इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ ये थोड़ा सा शिमरी शेड है इसी पैलेट में से, और उसको इनर 1/4 कॉर्नर वाला जो एरिया है ना मेरे आई लिड्स पर, मैं उतनी एरिया में लगाऊंगी और अच्छे से जो है सारे कलर्स को ब्लेंड करूंगी। और इसके बाद जो है आई मेकअप अभी डन नहीं है, आप देख सकते हैं दूसरी आंख पर मेरी एक फिनिश्ड लुक है, क्योंकि ये ब्लैक कलर का आई शेडो मैंने यूज़ किया है और उससे एक अच्छे से विंग बनाई है एक एंगुलर ब्रश के मदद से। और ये विंग भी आपको जो है, आप अगर चाहें तो आप काजल से कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर आई शेडो ही यूज़ किया है। और इससे मैं बहुत अच्छे से जो है टाइम देकर विंग बना रही हूँ, और वो विंग जो है आपको बाहर की तरफ थोड़ी मोटी होगी और अंदर की तरफ बिल्कुल भी ना दिखे, इतनी पतली लगानी है। और इसके बाद जो है ऐसे इसे बहुत अच्छे से स्मच करेंगे। और इसके ऊपर हम यूज़ करने वाले हैं ये अगेन डार्क पिंक कलर जो था, थोड़ा सा बैंगनी कलर है, उसको अगेन हम एंगुलर ब्रश में लेंगे और उस आईलाइनर के ऊपर हम लगाने वाले हैं और अच्छे से स्मच करने वाले हैं, और थोड़ा सा वो कलर जो है बाहर की तरफ भी विंग उससे भी हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। इससे जो एक अलग से डेफिनेशन मिलेंगे आपकी आंखों को, आप देख सकते हैं आई मेकअप अलग ही लेवल पे चला जाता है कुछ इस तरीके का मेकअप करें तो। और मैं जो एक्स्ट्रा है वो क्यूटिप से जो है निकाल रही हूँ, और क्यूटिप से निकालने की वजह से वहाँ का कंसीलर हट गया होगा, इसीलिए सेम ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं ताकि प्रोडक्ट वहाँ पर वापस आ जाए। अब हम जो है फिनिश्ड लुक देने के लिए आई लुक को, हम नीचे भी वही कलर्स यूज़ करेंगे जो हमने आई लिड्स के ऊपर किए हुए हैं एक पेंसिल ब्रश के मदद से हम करेंगे। और ये जो ब्रशेस मैं यूज़ कर रही हूँ आज के इस वीडियो में, ये है बहुत ही बढ़िया ब्रश, आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप इनटू मेकअप हैं तो। तो या गाइज ये आप देख सकते हैं मेरा आई लुक यहाँ पर कंप्लीट है। तो अब यहाँ पर मैं कर्ल कर रही हूँ अपने आई लैशेस को, और विगलिंग मोशन में आपको मस्कारा लगाना होता है। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ ये एल्फ का पैलेट, जिसमें आप हाइलाइटर और ब्लश दोनों हैं, और इसको आप एज आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और ट्रैवल फ्रेंडली है। तो ये मैं ले रही हूँ एक फ्लफी ब्रश, एक्चुअली दिस इज़ पाउडर स्कल्प ब्रश फ्रॉम द सेम ब्रश सेट, और इसके बाद हाइलाइटर भी लगा रही हूँ। और कभी भी जो है हाइलाइटर लगाने के बाद मैं थोड़ा सा उसको डस्ट ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा ज़्यादा हो गया इसीलिए। और इसके बाद जो है इनर कॉर्नर्स में मैं डार्क ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरे साड़ी का कलर था, और थोड़ा सा जो है इनर कॉर्नर भी मैंने हाईलाइट किया था, और जो मेरी ब्राउ बोन है वहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया था। और नेक्स्ट जो है मैं यूज़ कर रही हूँ ये शुगर का लिपस्टिक, जो कि बेबी हाउसमैन करके इसका नाम था, बहुत ही बढ़िया लिपस्टिक है। और टिकली लगाकर जो है ये लुक हम करने वाले हैं कंप्लीट। और उस दिन मैंने ब्यूटी शॉर्ट्स नहीं लिए थे, क्योंकि उस दिन बहुत ही रश था, पूजा की तैयारी करनी थी और बाकी बहुत सारी चीज़ें, सो या गाइस आप समझ सकते हैं। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर जो है फिक्सर यूज़ किया है, और जो कि स्विस ब्यूटी का था। और इसके बाद ये मेकअप हो गया है डन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो मेक श्योर करें आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। बाय।